न्यू ब्लॉग, तो फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने ट्रेन का ट्रेवलिंग का डाला था, तो आप लोगों को पता है कि मैं दिल्ली से कहीं बाहर आया हुआ हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि मैं गया में एक टिकारी छोटा सा शहर है जो कि यहाँ में ससुराल के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर मैं भी आया हूँ। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज का डिटेल में बताता हूँ कि आज हमने क्या क्या किया है। तो आज का जो ब्लॉग होगा यहीं से रिलेटेड होगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिलेगा जो कि दिल्ली वगैरह में ऐसी चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए कितना क्यूट सा है, कैसा लग रहा है दिया तुमको? ये देखो नहीं खाएगा बेटा, नहीं खाएगा। ये देखिए 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 बोलो बोलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आप कैसे हो? बोलो आप कैसे हो? ये देखो कहाँ बैठ गया, ये देखो। बोलो हेलो गाइस, हम सब जाने के हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे तोता, इतना गर्मी हो है यहाँ पे कि तोते को भी देखिए झरने के पानी में बिल्कुल आराम लग रहा है। और ये कैसे नहा रहा है, बिल्कुल झरने के पानी से हट नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको भी काफ़ी गर्मी लग रहा था जिसके कारण पानी में नहाते टाइम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भाग रहा है और बिल्कुल झरने के नीचे में। तो ये भी गर्मी से परेशान हो गया था और परेशान होने के बाद ये देखिए कैसे झरने का मज़ा ले रहा है। देखिए तो अभी 9 बज रहा है और सारे रात भर का ट्रेन का जर्नी करने के बाद सारे लोग इतने थक चुके हैं कि ये देखिए आते यहाँ पे सो गई है, आते के साथ ये यहाँ पे सो गई है। और इधर आदित्य को देखिए ये भी काफ़ी थक गया है रात भर के जर्नी में, तो अभी आते के साथ यहाँ पे सो गया है। तो सारे लोग काफ़ी थक चुके हैं। तो गाइस तो अभी हम लोग बिहार के प्रसिद्ध एक जो कि ताड़ के पेड़ पे एक फल होता है जिसको हम लोग फेदा बोलते हैं, तो काफ़ी दिन मौका मिला है जो कि फेदा खाने का। तो फिलहाल अभी हम लोग फेदा खाने जा रहे हैं। ये देखिए साथ में टिंकू जी भी हैं तो दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ पे फेदा खाने जा रहे हैं, बोल दे तो अभी आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है यही ताड़ का पेड़ है और इसी के ऊपर में आप पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं, जो कि एक फल लगा हुआ है ऊपर में, तो इसी को फेदा बोलते हैं। और यही अभी कटकर ऊपर से गिरेगा और उसको हम लोग अभी खाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार का एक प्रसिद्ध जो फल है, हर जगह यह नहीं मिलता है। और ये देखिए ये काटने भी जा रहा है, वो जो सामने लड़का खड़ा है चढ़ल काटल ही ओने से चढ़ल है, जाके देखी ना कि काटल है चढ़ल है देखी लटकल से तो देखी कन जगह चढ़ल है देख वही कोची हम तोरा बताइया देखी काटल। तो अभी बात चल रहा है इसके ऊपर कटने का, लोग इसी पे बोल रहे हैं कि एक काफी तैयार है और इसी को कटने का। और ये देखिए ये पहला गिरा यहाँ पे और ये यही जो फेदा है जो पहला काट के ऊपर से गिराया गया है, तो आप देख सकते हैं।
और ये देखिए जो ऊपर से गिरा यही है जो कि ताड़ का जो फल है, इसको फेदा बोलते हैं। और इसको ये देखिए टिंकू अभी काट रहे हैं, तो इसी टाइप से इसको काट कर अंदर इसका कोवा निकलता है जिसको हम खाते हैं। ये देखिए ये देखिए जो कि फेदा है सबको, जो जो कट के गिरा है नीचे सबको एक जगह यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और फिर एक एक करके इसको काटा जाएगा और इसके अंदर जो कोवा है उसको निकाला जाएगा। तो आपको भी आगे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक फेदा को इसी तरह यहाँ ऐसे काटा जाता है और काटने के अंदर इसके अंदर एक कोवा होता है, जो कोवा निकलता है जिसको खाया जाता है। तो अभी आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए कटने के बाद ये टिंकू को मिला है और ये टिंकू को मिलने के बाद ये देखिए कैसे इसको खा रहे हैं। इसी टाइप से इस कोवे को यहाँ पे खाया जाता है, जैसे कि आप देखिए सामने आप देख सकते हैं कि कैसे कोवा का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए ट्यूबवेल का मज़ा लिया जा रहा है। ये सब चीज़ जो कि है कि गांव में ही देखने के लिए मिलता है और आपको ये सब चीज़ शहर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सब जो मज़ा है ये गांव का ही होता है। तो आप सामने देखिए कैसे ट्यूबवेल का मज़ा लिया जा रहा है और यहाँ पे टिंकू मज़े ले रहे हैं। गाइज ये देखिए ये जो फेरा जो कटा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा सामने, ये एक्चुअली घर ले जाने के लिए कट कर पैक करवा रहे हैं ताकि हम लोग ने तो यहाँ पे कोवा वगैरह खा लिया है, बट घर वालों के लिए ले जा रहे हैं ताकि लोग भी कोवा खा सके। तो काफी मुश्किल के बाद ये चीज। गाइज ये देखिए इधर एक बर्थडे है, इधर एनिवर्सरी है। अभी प्लान हो रहा है कि कौन पहले पार्टी दिया जाए, तो अभी प्लानिंग यहाँ पे बैठ के प्लानिंग हो रहा है कि क्या किया जाए। और यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, उसके बाद अभी डिसाइड हुआ है कि पहले चाय पिया जाए। गाइस तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एक्चुअली जो कल हमने वीडियो जो बनाया था उसका एंडिंग नहीं किया था, तो उसका एंडिंग अभी शूट कर रहा हूँ। तो फिलहाल उसके बाद हम लोग ने पार्टी वार्टी किया था और केक वगैरह कटिंग किया था, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, जो कि एक का हैप्पी बर्थडे का मैरिज एनिवर्सरी था, तो दोनों का केक कटा था। और उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने गए थे, तो उसका नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि इस ब्लॉग में काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए हमने उसके लिए अलग ब्लॉग बना दिया है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड यहीं पर करते हैं, क्योंकि कल इसका एंड नहीं किए थे, तो इसका एंडिंग अभी शूट कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।